जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन फोरम पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की अपडेट है अहमदनगर छावनी परिषद यानी कि दोस्तों अहमदनगर कंटेनमेंट बोर्ड की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, अहमदनगर कंटेनमेंट बोर्ड में ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली गई है। अगर वैकेंसीज की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कलर्क की, प्लम्बर की, माले की, पीएन की, सफाई वाला की, मजदूर की और दोस्तों इसी के साथ साथ आपको मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलती है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप 12वीं पास है, अगर आपके पास कोई कॉलेज की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे के एप्लीकेशन फॉर्म की, यानी कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे चलकर हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे कि दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है अहमदनगर छावनी परिषद, अहमदनगर कंटेनमेंट बोर्ड, AMX चौक, कैंप अहमदनगर। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मेल आईडी दी गई है, वेबसाइट दी गई है। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है तो आप मेल यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एड्रेस बताया गया, तो ये आपका एड्रेस रहेगा ऑफिस ऑफ द कंटेनमेंट बोर्ड अहमदनगर, AMX चौक कॉम्प्लेक्स, अहमदनगर 414002, महाराष्ट्र। ये आपका एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड करना होगा। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी लास्ट डेट बताई गई है जो कि है 3/1/2023, यानी कि 3 तारीख को, 3 जनवरी 2023 को आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स दी गई है। तो दोस्तों वैकेंसी की डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जो है जायनोकोलॉजिस्ट की, इसके बाद लेडी मेडिकल ऑफिसर, नर्स की, असिस्टेंट टीचर की, क्लर्क की, मैसून, प्लम्बर, माली, पीएन, चौकीदार, वार्ड बॉय, मजदूर, सफाई कर्मचारी की वैकेंसी देखने को मिलती है। आपकी सैलरी यहाँ पर दी गई है, आपके नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर बताई गई है, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इसके बाद देखिए आगे चलकर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी दी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की या फिर एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर दी गई है। जैसे कि सबसे पहली जो वैकेंसी है दोस्तों उसकी अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो है जायनोकोलॉजिस्ट की है, इसमें आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद लेडी मेडिकल ऑफिसर है, असिस्टेंट टीचर की है। दोस्तों अगर क्लर्क की बात करते हैं तो आपके पास जो है एक बैचलर की डिग्री होनी चाहिए और दोस्तों आपको जो है कंप्यूटर का ज्ञान भी होना चाहिए। इसी तरह से आप मासूम, प्लम्बर, माली, PN, चौकीदार के लिए दोस्तों अगर आप 10वीं पास है तो भी आप एलिजिबल हो सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, आप वहाँ से अपना एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, आप यहाँ से भी अपना एप्लीकेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों एड्रेस की बात करते हैं तो एड्रेस मैंने पहले बता दिया था, ये आपका एड्रेस रहेगा, आपको ऑर्डिनरी पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट से अपना एप्लीकेशन लेटर सेंड करना होगा। आगे चलकर भी आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। अगर आपकी उम्र की बात करते हैं, यानी कि अगर आपकी एज की हम बात करते हैं तो दोस्तों आपकी जो एज है वो 23 साल से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको बताया गया है आपकी जो उम्र है 23 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप बाकी जितनी वैकेंसीज है, जैसे कि नर्स, असिस्टेंट टीचर, मजदूर, वार्ड बॉय, चौकीदार, इनके लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो उम्र है 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी उम्र का कैलकुलेशन लास्ट डेट के दिन यानी कि 3/1/2023 को होगा। और दोस्तों अगर आप तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी दी जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर फीस की बात करते हैं, यानी कि आपकी फीस क्या रहेगी, तो देखिए अगर आप जनरल से हैं या फिर दोस्तों अगर आप OBC से, EWS से हैं तो दोस्तों आपको 700 रुपये फीस पे करनी होगी। अगर आप एक्सर्विसमैन है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, फीमेल है, SC ST कैंडिडेट है, PH कैंडिडेट है, तो दोस्तों 350 रुपये जो है आपको फीस पे करनी होगी। ये जो फीस है दोस्तों आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी होगी। डिमांड ड्राफ्ट दोस्तों CEO अहमदनगर कंटेनमेंट बोर्ड के फेवर में आपको पे करना है। तो दोस्तों ये सभी जानकारी जो है आपको यहाँ पर दी गई है। इसी के साथ देखिए अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपकी जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स है वो है दोस्तों, आपको 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप भेजने होंगे जिस पर 10-10 रुपये की स्टाम्प लगी होगी। इसी के साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भेजना होगा अपने फॉर्म पर अटैच करके, और दोस्तों 2 पासपोर्ट साइज फोटो आपको उसके साथ अटैच करनी है। आप अगर इधर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको भेजना होगा। EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो भेज सकते हैं। अगर आप एक्सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज बुक सेंड करना होगा, और दोस्तों आपका जो ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट है वो भी आपको सेंड करना होगा। साथ ही दोस्तों बाकी की जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देखिए अगर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की,
तो आपका जो रिटन टेस्ट होगा, अगर आप मासून, प्लम्बर, माली, पीएन, चौकीदार, वार्ड बॉय, मजदूर, सफाई वाला, इनके लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टाइम ड्यूरेशन आपको 90 मिनट का मिलेगा। दोस्तों आपका जो स्किल टेस्ट है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हैं। सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, यानी कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, तो दोस्तों आपका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके सभी नोटिस पढ़ सकते हैं। और दोस्तों आपकी जो जानकारियाँ हैं वो आपको बिल्कुल सही सही फिल करनी है, अगर आपकी कोई भी गड़बड़ पाई गई, आपका जो फॉर्म में गलत फिल पाया गया, तो दोस्तों उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं पाए गए या फिर दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड नहीं पाए गए तो उन्हें भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको आने जाने के लिए कोई भी टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो देखिए दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, हालांकि दोस्तों 5 पेज का आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आसान सा और बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है अहमदनगर कंटेनमेंट बोर्ड, यानी कि अहमदनगर छावनी परिषद, ये एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी फोटो लगानी होगी, आपकी फोटो दोस्तों रंगीन होनी चाहिए, यानी कि कलरफुल आपकी फोटो होनी चाहिए, और दोस्तों 5 फुट साइज फोटो आपको यहाँ पर अटैच करनी है। इसके बाद सबसे पहले पोस्ट का नाम लिखेंगे और कैटेगरी का नाम लिखेंगे, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले साइन करने होंगे, यानी कि आपके जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पर करने होंगे। इसके बाद आपको अपने जो पर्सनल डिटेल्स है, यानी कि आपके जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। तो देखिए बेसिक डिटेल्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको अपना नाम लिखना होगा, आपका पूरा नाम, आपके जो दसवीं सर्टिफिकेट है उसके हिसाब से लिखेंगे, आपका लिंग यानी कि जेंडर, आप मेल है फीमेल है, आपकी डीओबी, आपकी जो डीओबी है दोस्तों बिल्कुल सही सही लिखनी है, और दोस्तों 3 जनवरी 2023 को आप कितने इयर्स के, कितने मंथ्स के, कितने डेज के होंगे, ये कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपके फादर या फिर हस्बैंड का नाम आप यहाँ पर फिल करेंगे। और दोस्तों इसके बाद देखिए आगे चलकर आपको सब कैटेगरी, यानी कि आगे चलकर आपको फिजिकल हैंडीकैप है यानी एक्सरसाइजमैन है यानी, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको बताना होगा, आपका विलेज, टाउन, सिटी जहाँ पर आप रहते हैं, आपका सिटी, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका स्टेट, मोबाइल नंबर, पिन कोड और मेल आई डी, ये सभी जानकारी दोस्तों आपको बिल्कुल सही सही फिल करनी है। और दोस्तों परमानेंट एड्रेस ही आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन यानी कि आपकी जो परीक्षा 10वीं है 12वीं है वो लिखेंगे, ईयर ऑफ पासिंग यानी किस ईयर में पास किया था वो लिखेंगे, किस बोर्ड से पास किया था, किस कॉलेज से पास किया था और परसेंटेज क्या थी, ये सभी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। साथ ही इनसे रिलेटेड जो आपके सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, वो भी आपको अटैच करने होंगे। इसके बाद अदर डिटेल्स में दोस्तों आपको केस कास्ट के बारे में पूछा गया, यानी कि आपके खिलाफ कोई केस है यानी, और दोस्तों किसी सरकारी संगठन ने या फिर आपके खिलाफ इनडिसिप्लिन कार्रवाई की है या नहीं, या फिर दोस्तों किसी बार काउंसिलिंग ने या फिर मेडिकल काउंसिलिंग या फिर एसोसिएशन ने आपको डिबार किया है या नहीं, या फिर आपके खिलाफ कोई केस हुआ था, इस तरह की जानकारियाँ आपको यहाँ पर लिखनी होगी, आप यस नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए दोस्तों आपको चलकर आगे जो है अपने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बतानी है, यानी कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच की है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों मैंने पहले भी आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दिया है, लेकिन दोस्तों मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके एजुकेशन की क्वालिफिकेशन की यानी कि 10वीं की 12वीं की मार्कशीट, आपके आधार कार्ड, आपके डोमोसाइल, आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आपका डिमांड ड्राफ्ट भी आपको सेंड करना होगा, ये सभी डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको सेंड करने होंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो अगला पेज होता है इसमें आपको अपने डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बताना है, यानी कि आपका जो डिमांड ड्राफ्ट है उसका नंबर, आपकी डेट, आपके अमाउंट कितने की आपने जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवाया है, और नेम ऑफ बैंक यानी किस बैंक से आपने अपना डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाया है, आप हिंदी में या फिर इंग्लिश में, सिर्फ एक जो है अपना कॉलम फिल करेंगे। इसके बाद ये डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा दी गई है, आप इस डिक्लेरेशन को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, सिंपली आप अपना नाम लिखेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है। नीचे चलकर दोस्तों यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, अपना नाम लिखना है, यहाँ पर जिस डेट और जिस पहले से आप फिल कर रहे हैं वो जानकारी आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो दोस्तों इस तरह जो है आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा और दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी डीएम करके पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया के लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।